बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में शराब को लेकर मनबड़ युवकों ने सेल्समैन को मारपीट के बाद शराब की दुकान समेत वहां खड़ी बाइक व कार में आग लगा दिया। गौरतलब है कि संविधान शिल्पी भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर सरकारी आदेश के अनुसार शराब के ठेके बंद रहते हैं। इसी क्रम में यूपी में भी शराब की दुकानें बंद थी, परंतु यूपी के बुलंदशहर जिले में कुछ मनबड़ शराबी युवकों ने 14 अप्रैल की देर रात जबरदस्ती शराब की दुकान से शराब खरीदने को लेकर सेल्समैन से वाद विवाद शुरू किया। वहीं जब सेल्समैन ने सरकारी आदेश का हवाला देकर शराब न देने की बात कही तो मनबड़ युवक गाली गलौज पर आमादा हो गए। साथ ही सेल्समैन को बुरी तरह मारा पीटा और दुकान के पास खड़ी बाइक और कार को आग लगा दी। देखते ही देखते कार व बाइक धू धू चलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पाकर आनन फानन में पुलिस पहुंची। पुलिस ने कई थानों की फोर्स बुला वहां स्थिति को नियंत्रण में लिया। बहरहाल इलाके में तनाव व्याप्त है, आने वाला समय बताएगा कि आपका क्या नाम है, गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं। अरे क्या बात हुई थी ठेके पे? पेश है बुलंदशहर से खास लड़के आए थे पहली बार, उन्होंने आते ही कहा भाई ये कहाँ है विकास चौधरी, ये दारू क्यों नहीं दे रहा है? मैं सर हमें नहीं मालूम वो कहाँ है कहाँ नहीं, गाड़ी इसकी ये खड़ी हुई है तो ये गाड़ी खड़ी कहाँ कहाँ गया है, कहाँ रखा है कहाँ है, मैं साहब कुछ मालूम नहीं हमें। इतने में ही उन्होंने हमारे साथ में मारपीट पथराव शुरू कर दिया। फिर कुछ अन्य लोग गाँव के आकर उन्होंने हमारे संग में खूब पथराव कराए और बदतमीजी करी हमारे साथ। क्या आपने 100 नंबर पर फ़ोन नहीं किया? 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर वाले आए, उन्हें देखते ही वो पुल की तरफ को भाग गए। 100 नंबर वाले बोले कि हुआ है, फिर एस साहब की और इनकी गाड़ी आई थी दो, उनके बाद में बोले चलो जो हो गया उसे तहरी लिखवा गया चलो थाने। हम जब थाने को जा रहे थे रास्ते में पहुँचे, इतने में यहाँ से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे ठेके पर आग लगा दी, 4 बाइक खड़ी थी जो हमारे पहले तोड़फोड़ कर गए थे, उनमें दोबारा में आके आग लगा के 4 बाइकों में और तार तोड़ के हमारे जो उसमें पैसे थे वो था सब जला दिया, तकत बगल दारू बहुत जल गई उसमें। क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरपाल सिंह है जी। अच्छा क्या बात हुई सर ठेके में जो आग गंगावली ठेके पे सील मैन हूँ सर। कुछ 4-5 लोग आए थे, उन्होंने मेरे साथ कहने लगे मुझसे दारू दो, मैंने कहा जी आज अम्बेडकर जयंती में दारू नहीं बेच सकता हूँ। पहले आते बोले कि विकास चौधरी का है उजड़ी का, दारू क्यों नहीं दे रहा हूँ, हमारी गांधी जयंती, हमने मना कर दिया हमें नहीं, हमें पता नहीं। यहाँ पे आके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद में सर वो पेटी ले गई, कार 20 पेटी करीब उनको ले गई, कल का 40,000 रुपये कैश रखा था उसे ले गई, क्योंकि आज बैंक बंद थे सर उस वजह से हम कैश जमा नहीं कर पाए। और उसके बाद में ताला तोड़ के और वो करने लगे, तो हमने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पर, पुलिस भी आई थी, वो हमसे बोले कि चलो वहाँ पे तहरीर लेके आओ जिन लड़कों को जानते हो। मैंने सर हम तो 4-5 लोग थे उनके नाम जानते हैं कि चलो तहरीर, हम तहरीर देने के लिए गए थे सर। इतने में ही हम रास्ते में बीच रास्ते में पहुँचे हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से फ़ोन गया कि जी तुम्हारे ठेके में आग लगा दी। हम दोबारा के लौट के आए तो हमारे ठेके में आग लगी पड़ी, जिसमें 4 गाड़ी जला दी, स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे पीछे तोड़ दिए। ये होगा सर। सर आपका? मेरा नाम दिगंबर सिंह। अरे सर आग किन किन बच्चों ने लगाई थी? एक तो ये और टिंकू महावीर हो उसका भाई था, और रंजीत हो और सुरेश को लड़का हो, एक ओम भी हो, एक 4 लड़का है और संगे अज्ञात में है। बहरहाल बुलंदशहर पुलिस ने शराब दुकानदार की तहरीर पर कुछ नामजद सहित 1 दर्जन से ज़्यादा अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज कर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने यह संदेश भी दिया कि ऐसे उपद्रवी कार्य करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव कठोर से कठोर